रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, जिस तरह आप देख चुके हैं कि पार्ट वन में हम हक्कल पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो चलेंगे दोस्तों, क्या हालचाल है। आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी क्योंकि माइक में गाड़ी में बोल रहा हूँ तो गाड़ी थोड़ी सी दूर है। तो हम फजर के बाद यहाँ पहुँच गए थे और उसके बाद यहाँ पर आके थोड़ी सी ढूंढा टैक्सी वाला जो लेके जाएगा, तो उससे इतफाक हो गया। तो 250 से 300 रियाल के बिटवीन आपके अगर चार बंदे या पांच बंदे होना तो कोई इसमें हो जाता है मैनेज। आधा घंटा मैक्सिमम 40 मिनट लगते हैं। तो अब हम खड़े हुए हैं जी, जो मेरे पीछे पहाड़ी आप देख रहे हैं ये इजिप्ट है, मिसर है, और इस साइड को जॉर्डन और इसराइल है। और अगर हम यूँ खड़े हों तो ये मेरे पीछे सऊदी है और इनके दरमियान में ये एक बस छोटा सा समंदर है। ठीक है जी, और बस यही काम है। तो यहाँ पे एक अगर आप सऊदी वाली साइड से आते हैं हक्कल में, हक्कल से आगे क्रॉस करेंगे ना तो एक स्टेशन आता है पेट्रोल, वहाँ पे टैक्सीज वाले होते हैं। आप जैसे ही हक्कल को क्रॉस करेंगे ना तो आपको वहाँ टैक्सीज खड़ी सऊदीज खड़े नज़र आ जाएंगे। तो आपने वहाँ उनसे बात कर लेनी है, सऊदी से कर ले किसी से या किसी अपना टैक्सी वाले से, यहाँ से कर ले आके पेट्रोल पंप पे, तो वो बेस्ट हो जाते हैं। तो आपका फैमिली वीज़ा 3 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाता है, इतना भी परेशानी वाली बात नहीं होती। क्योंकि आजकल जो तवसल है वो कभी कर देते हैं 1 महीने का, कभी नहीं करते, और 3 मंथ वाला तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। बस पे भी लोग आते हैं लेकिन अपनी गाड़ी हो तो मज़ा ईजी हो जाता है, 11 घंटे में आप पहुंच जाते हैं इधर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम 11 घंटे अगर आप आराम से आए चलो के आए। और आपके वन साइड का जो पेट्रोल का ख़र्चा है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं आता। मेरा टोटल जो पेट्रोल लगा है मक्का से, क्योंकि मैंने मक्का से ट्रैवलिंग की है यहाँ तक, तो अभी तक जो मेरा टोटल ख़र्चा हुआ है वो कह लें कि 50-50 और 25, 125 लीटर का टोटल मेरा ख़र्चा हुआ है आने का। और जाने का भी ऐसे ही है, लेकिन मैंने क्योंकि जाना है रास्ते से घूमते हुए, अलूला से होते हुए, और फिर मैंने जाना है मदीना, तो हो सकता है कुछ हो जाए। लेकिन ये है कि 125 लीटर, और देख लें पेट्रोल की प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं लगते, बस वाला भी इतना ही ले लेता है। लेकिन ये अगर अपनी कार में है तो आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। ये जो पीछे आप जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी देख रहे हैं या टैक्सीज, ये सारी ही आपकी विजिट वीज़ा फैमिली को लेके जाती हैं। ठीक है, कोशिश करें कि आपके जाने वाले अगर साथ आएँ, कोई फैमिली हो जिसमें आप तीन चार हो जाएँ, तो आपका कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। क्योंकि टैक्सी वाले आप अकेले सफ़र करें या आप चार लोग सफ़र करें, उसने अपना रेंट वही लेना है, सेम फिक्स रेंट ही लेना है। ठीक है, तो और वीज़ा जो है उर्दन का वीज़ा जो मिलेगा उसकी 55 रियाल है, और वो पहले लेते हैं 55 रियाल। ठीक है, ये देखें, ये है अपना पंप जो है, ये लास्ट पंप है। ठीक है, और 55 रियाल जो है वो पर पर्सन उसने लेने ही लेने हैं। ठीक है, तो करें कोशिश करें और आए इंशाल्लाह। और अभी आपको मैं थोड़ा सा बोट आ रही है, ये मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आ रही है, जिप से आ रही है या यहाँ से आ रही है, लेकिन आ रही है। बस बच्चों का वेट कर रहा हूँ, आ जाए तो इंशाल्लाह। बच्चे आ गए हैं जी, तकरीबन कह लें कि आधा घंटा लगा है और आ गए हैं। और मैं वीज़ा आपको बता दूंगा, इसमें स्लिप्स भी है, वीज़ा भी है और बाकी भी है। फैमिली ने बताया, वो कहते जाते हुए तो हमें कोई इशू नहीं हुआ, यहाँ पे हम गए हैं बॉर्डर पे, सऊदी जो है बॉर्डर वहाँ पे उन्होंने एग्ज़िट की स्टैंप लगाई है, देन वो इंटर हो गए हैं जॉर्डन में। और जॉर्डन में भी कोई टेंशन नहीं हुई, उन्होंने फ़ौरन 10 जॉर्डन लिए
लेके जो 55 रियाल बनते ऑलमोस्ट लेके, तो उन्होंने वीज़ा लगा दिया है, देन वो टैक्सी वाला घूमा है। अगेन जॉर्डन के बॉर्डर पे जो एग्ज़िट है वो स्टैंप लगाई है और फिर वो इंटर हुए हैं सऊदीया में। लेकिन वो कहता है कि जब वो इंटर हुए हैं ना तब चेकिंग हुई है हमारी, बैग वगैरह उन्होंने चेक किए हैं डॉग्स के साथ, डॉगीज रखे हुए हैं उन्होंने चेक करने के लिए, और जो टैक्सी है उसकी डिग्गी वगैरह ये वो ए टू जेड चेक किया है उन्होंने, काफ़ी सख्त चेकिंग की है। चेकिंग वो है क्योंकि जॉर्डन से कुछ सम ऐसी इलीगल्स थिंग्स आती हैं इस साइड पे सऊदीया में, तो वो फिर थोड़ा स्ट्रिक करते हैं, तो उन्होंने चेकिंग की है और देन कुछ नहीं, नथिंग हैपेंड, उन्होंने स्टैंप लगाई और आ गए। और आपको एक मज़े की बात बता दूँ, मेरा जो एक बेटा है उसका जो वीज़ा तो है अभी 9 मंथ पड़ा हुआ है, लेकिन उसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला विद इन 5 मंथ्स में। तो मुझे ये डाउट था कि यार, क्योंकि मिनिमम 6 मंथ ये रिक्वायर होता है पासपोर्ट वैलिडिटी, तो हो सकता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं की उसके लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनके लिए, उसको भी वीज़ा मिल गया 3 मंथ का। तो मैं इंशाल्लाह आपसे वीज़े के स्क्रीनशॉट और स्टैम्प्स और अपशर का इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूँगा, अभी नहीं घर जाके, अभी आपको थोड़ा सा इलाका घुमाते हैं, चले लेट्स गो।